वेलकम टू माय चैनल। सो इस वीकली जोडियक रीडिंग में हम कैंसर यानी कि कर्क राशि वाले लोग के लिए देखेंगे कि उनका ये जो वीक है वो कैसा रहेगा, कौन कौन सी एनर्जीज आपके सराउंडिंग में रहेंगी, साथ में जो भी एडवाइस होगी आप लोग के लिए मैं वो भी आपको देने की कोशिश करूंगी। तो शफल कर लेते हैं कार्ड्स। कैंसर, कर्क राशि, पेज ऑफ कप्स, हेल्थ आप लोग के लिए बहुत अच्छी रहने वाली है एंड नाइट ऑफ कप्स यहाँ पे आए हैं। सो बहुत ज़्यादा ना, टेन ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है मैं बताती हूँ, सेवन ऑफ सॉर्ड्स। पास्ट में अगर कुछ भी आपके साथ बुरा हुआ है, कुछ भी हुआ है, सो उससे आप लोग कंप्लीटली निकलने वाले हो। लाइक अगर आप लोग अपनी हीलिंग कर रहे थे, खुद को किसी दुख से निकालने की कोशिश कर रहे थे, तो वो यहाँ पे आप लोग होने वाले हो। पेज ऑफ कप्स की बात है तो यहाँ पे सेल्फ लव की एनर्जीज हैं, यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है कि चलो जो हुआ सो हुआ, सबको भूल जाओ, सब पे मिट्टी डालो और फिर से अपनी लाइफ की एक नई स्टार्ट करो। यहाँ पे डेथ का कार्ड है, यू नो यहाँ पे प्रॉब्लम्स बहुत हैं आपकी लाइफ में। आई नो यहाँ पे चीज़ें सही नहीं चल रही हैं, लेकिन एक सबसे अच्छी बात क्या है कि आपने ना अपनी मुस्कुराहट को नहीं छोड़ा, आपने अपनी जो आपकी स्माइल है आपने उसको नहीं छोड़ा। चाहे सिचुएशन जैसी भी रही, चाहे आप अंदर से कितना ही परेशान रहे, लेकिन फिर भी जिस जो भी आपका रूटीन था आपने उसको डिस्टर्ब नहीं करा। आप जो भी काम करते हो, आप जो भी कैरियर फील्ड में आप स्टडी करते हो, आप जॉब करते हो, आपने उसको डिस्टर्ब होने नहीं दिया। आप सारी चीज़ें एज यूजल करते रहे, खुद को बिजी रखते रहे काम में और धीरे धीरे जैसे कहते हैं ना हील भी हो गए। सो नो डाउट यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ों की यहाँ पे एंडिंग है कि जैसे कोई रिश्ता था कुछ लोगों के लिए, अगर जैसे वो कोई डिवोर्स था तो यहाँ पे ऐसा है कि वो डिवोर्स कम्प्लीटली हो जाएगा। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि किसी रिश्ते में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही थी, वो सही नहीं चल रहा था, यहाँ पे उसका एंड हो जाएगा। लेकिन ऑफकोर्स यहाँ पे किसी ना किसी चीज़ की न्यू बिगनिंग आप लोगों की लाइफ में ज़रूर है। सेवन ऑफ सॉर्ड्स की यहाँ पे एनर्जीज ओवरऑल आई हैं जो बता रही हैं कि लोग आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। सीरियसली यही बोलूँगी कि अच्छे नहीं हैं। आपको जैसे कहते हैं ना धोखा मिलना, आपके जैसे कि आप बहुत ज़्यादा समटाइम्स अकेला भी फील करते हो कि आप अकेले हो, लेकिन फिर भी यहाँ पे ऐसी एनर्जी है कि स्माइल करना नहीं छोड़ते हो। फिर भी आपको यूनिवर्स पे ट्रस्ट है, आपको ईश्वर पे, भगवान जी पे पूरा ट्रस्ट है कि कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर होगा, कुछ ना कुछ अच्छा उन लोगों ने आपके लिए ज़रूर प्लान किया हुआ है। सो इस वीक आपसे मैं यही कहूँगी, अपनी हीलिंग पर ध्यान दो। आप लोग की हेल्थ के लिए मैं कहूँ, मुझे हेल्थ में कोई भी इशू नज़र नहीं आ रहा है। हेल्थ मुझे यहाँ पे ऐसी है कि अच्छी चल रही है, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पे आपके मैं कैरियर की बात करूँ, सो कैरियर में भी ना यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा है कि आप लोग अपनी जॉब चेंज करने का ट्राई कर सकते हो, आप कुछ एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम के लिए ट्राई कर सकते हो। और कुछ लोग के लिए मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि उन्हें कुछ ऑफर्स भी मिल रहे हैं जॉब के, कुछ अच्छी जगह से उन्हें कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल रही हैं। सो डेफिनेटली आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको उनको ग्रैब कर लेना चाहिए, ठीक है। आपको टाइम से मैं कहूँ उनको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। और नो डाउट यहाँ पे ना यूनिवर्स आपके साथ है, एंजल्स आपके साथ हैं, उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। सो ये जो भी चीज़ की एंडिंग हो रही है आपकी लाइफ से, मैं कहूँ आपके अच्छे के लिए ही हो रही है, आपके भले के लिए ही हो रही है। सो मैं क्या कहूँ, यहाँ पे इतने आप लोग ऐसे, मुझे स्माइलिंग फेस ही नज़र आ रहा है, जैसे आँखों में तो बहुत ज़्यादा पेन है, दर्द है, लेकिन वैसे आप स्माइल कर रहे हो जैसे ज़िंदगी पहले ही आप लोगों ने जीत ली। हाँ चलो मैं यहाँ से आप लोग के लिए गाइडेंस भी ले लेती हूँ। कैंसर, कर्क राशि,
द माउस यू मे फील स्मॉल बट यू आर स्ट्रॉन्गर देन यू नो। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है आप बहुत स्ट्रांग हो गाइज, बहुत स्ट्रांग हो। कभी भी ऐसा नहीं सोचो कि आप छोटे हो या फिर आप कम डिजर्व करते हो या फिर आपके लिए इतना ही इनफ है, ऐसे कभी भी आपको नहीं सोचना है। आप बहुत स्ट्रांग हो, खुद से ऐसे बोलते रहना, आई एम स्ट्रांग, आई एम वेरी स्ट्रांग, आई एम स्ट्रांग, आई एम कॉन्फिडेंट। ये कुछ अफर्मेशंस हैं, आप लोग नीचे कॉमेंट में भी इन्हें ज़रूर टाइप करिएगा। ओके आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, खुद को छोटा नहीं समझो, आपसे यूनिवर्स ये कह रहे हैं। खुद के साथ ही बहुत नाइंसाफी आप लोगों ने होने दी है, ऐसा मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। कोई आपको दर्द दे रहा था और आपने वो दर्द सहा भी है, तो इसीलिए आप यहाँ पे अब कुछ भी ना, जैसे मैं कहूँ गिले शिकवे नहीं रखते हो, क्योंकि आपको पता है कि कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक्स आपकी साइड से भी रही हैं। आपको पहले ही या तो उस चीज को अपोज कर देना चाहिए था, हाँ, तो इसलिए। लेकिन ये जो प्रोसेस है थोड़ी सी डिफिकल्ट है, लेकिन अच्छे के लिए है। द आंट लेट गो ऑफ फीलिंग अलोन, यू आर ए विटल पार्ट ऑफ द हिल। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है खुद को अकेला ना समझें, आप बिल्कुल भी अकेले नहीं हो, ठीक है? आप इस यूनिवर्स का हिस्सा हो, ये यूनिवर्स आपसे है, आप इस यूनिवर्स के हो, एंजल्स आपके साथ हमेशा हैं। हर चीज़ की एक टाइम होती है और लाइफ के डिफरेंट डिफरेंट फेस होते हैं, तरह तरह की चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ों को हम एक्सपीरियंस करते हैं। सो यहाँ पे आपसे यही कहा जा रहा है कि आपको जो अकेलापन लगता है, कुछ यहाँ पे लोग अच्छे नहीं हैं, मुझे ऐसा लगता है कुछ यहाँ पे लोग अच्छे नहीं हैं। बस यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि वो अच्छे लोग जो हैं आपको खुद से मिल जाएंगे। बहुत सारे लोगों को यहाँ पे एक रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल होता है, उसके साथ काम करने की जरूरत है। मैंने आज पहना नहीं उसके ब्रेसलेट, मैं पहनती हूँ वैसे, तो उसके साथ आपको काम करने की ज़रूरत है। वो रव जो लव वाइब्रेशंस होते हैं आपको बढ़ाते हैं। मैंने इंस्टाग्राम पे उसके बारे में ना डिटेल पे पोस्ट कर रखा है पूरा, आप चाहो तो वहाँ पे उसके बारे में देख सकते हो, ठीक है? बस थोड़ा सा आपको यहाँ पे हीलिंग की नीड है। एक और मैसेज मुझे यहाँ पे मिला है कि अगर कुछ लोग ना ऐसा सोच रहे हैं कि हम योगा सेंटर चले जाते हैं, मेडिटेशन सेंटर चले जाते हैं मेडिटेशन करने के लिए, योगा करने के लिए, या फिर ऐसी कुछ स्पिरिचुअल चीज़ें करने के लिए, सो वहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आप जाइए। वहां पे आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपकी सोल फैमिली से होंगे। कुछ अच्छे लोग जैसे आपको वहां पे मिल सकते हैं, मुझे ऐसी यहाँ पे एनर्जीज मिल रही हैं। तो गाइस बस ये थी आप लोग की रेटिंग, आई होप आपको अच्छी लगी हो। मुझे जरूर बताइएगा आप लोग को ये कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं कराया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।